Assalamualaikum, welcome back to same video। UPSC स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव सिंह बासी का ये वीडियो है जो कि हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आप मोस्टली आप में से कुछ लोग वो देख के फिर इस वीडियो पे आए हैं। सो वीडियो लंबा है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और सेकंड पार्ट आप देखने आ चुके हैं। सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने रोका था। वहीं से लेट्स गेट स्टार्टेड। आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये तो? बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे। यार हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूँ खड़े हैं ना, कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं, अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है, बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। ओके ऐड आ चुका है। ओके ऐड आ चुका है। सो के बैड प्लीज भाई। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम यही रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था, सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पर। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूंक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1 चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमने कहा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हमें से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूँ बस, जोक का और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, बंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए तो हमने सेकंड की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल में बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता? कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख लो अकेले, मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन कर ली। हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुल जाएगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को, एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहाँ ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से, पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। आके बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या बात। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं के चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। क्या ऐसे बीच में नहीं उठते हम? करें नहीं बेटा, समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको, आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे, मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता नहीं सारे बाल्टी से समुंदर से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कहती टैप से। यार मुझे इतना रहीस होना है बस कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। ऐसे को टैप चलाई, पानी गिर गया, यही। कहाँ से आया पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई कुछ ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलाबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पर जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे। हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात कोई जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज़ नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है। हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे, सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मिरेकल बोल के सो जा रहे। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे? पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा। फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। हमने कहा ये भी तो कर सकते हैं। तो अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं, पुलिस वाले हैं हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैलकनी में आए तो मोमोज तैर रहे, में घर ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है आप। तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज़्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से, ठीक। रॉयल वैसे पीते थे हम उस टाइम। हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी, इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी, देखा तेरी कितनी भरी। तू नहाएगा? नहीं ना, भाड़ में जाए बेच। ये कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे। भाई 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग औरत नहीं देखी जिंदगी। यार सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है, मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में हूँ, मुझे ढूंढ लो। मैं कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या फोन? मैं क्यों ढूंढ लूँ? वर्कोहॉलिक मेड यार। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना, करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम? कह रही मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श, आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं, हमारा घर कैसे गंदा हो गया? आप आई थी, आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन करता हमारे घर आने का। तुम आई, तुमने आके बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे, आज खेलते रहेंगे आप। हमने एक सुबह इतनी बेल बजाई, हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में दे दी। हमने कहा जाओ अपने घर ले जाओ, वहीं बजाना, वहीं अपना गेट खोलना, खेलती रहो, भाग जाएंगे। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घूसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ। हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। हम घूसों से इरिटेट हो गए, हम गेट खोल के सोने लगे। हमें लगा हमारे घर से क्या चोरी हो जाएगा, बुक्स तो पहले 2 ले रखी ना। अब गेट खुला हुआ है, अब आप आइए, अपना काम वाम निपटाइए, जाइए। नहीं, अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूँगी। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी, भैया क्या बनाना है? मैं बता रहा हूँ, ये सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा है उससे तो करा ही दो भाई। हम 2 मिनट के लिए ऐसे उठ के बैठ जाते थे। हमने कहा क्या बनता होगा? हमने कहा एक और धरती बना दो और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है? अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते? ये डोमिनोज के डब्बे में दुआएं थोड़ी आती है हमारे घर। जब तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही फेंकना है, हमें क्यों खिला रही हो इस गेम में तुम? हाँ? हम नशे में कुछ भी बोलते थे। हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ, जाओ, और पेंटागन शेप के बनाना, हेक्सागन, 2 हेक्सागन बनाओ तुम। बनाती रहो आप। यार मेरा बस इतना तो पॉइंट है, आप किसी के घर गए हो एज अ मेड, इमेजिन करना है ठीक है ना, किसी के घर गए हो एज अ मेड, और वो जो बंदा है ना, वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है। इससे पूछो कि क्या बनाना है, ये डिजर्व करता है। ये सोच के भी बैठा होगा। हमसे तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है, इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था ये, मान लेंगे। ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया होगा, सो जा यार, क्या यार। ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी। भाई इतना लीचड़ खाना बनाती थी यार। हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे। वो कह रही क्या खाओगे? हमने कहा नहीं, अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे। चावल साफ ना करने पड़े, जीरा राइस बना के चली गई। कर लो पता क्या खा रहे हो। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी, एकदम आँख खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम 1 घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे, अब जब यहाँ से वहां तक गए हो तो आँख तो खुल गई ना, यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली। तुम्हें मजे आ रहे हैं? हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ। रैंडमली आके डांट देती थी। कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। मैंने कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ? ये आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर? यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक है सैलरी दे। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद कराए, जहर देते हैं इसको, जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। फिर एक रात ये बोला कह रहा टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं क्या बोलेगा? कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं कहा ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते? कह रहा नहीं नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ है, आंटी आई, मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? और ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्हें आंटी की आंखों में आंखें डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं वेल डन ऑफिसर। तो लास्ट टाइम भी हमने सैल्यूट पे एंड किया था, इस बार भी सैल्यूट पे। तो याद आ रहा है वैसे मुझे, खान भाई याद आ रहा है अपने फ्लैट में कुक्को का अपने आप को जो मालिक समझते थे हमारे। सेम ऐसे ही हमारे फ्लैट पे एक कुक था और काफी कुछ घी बहुत लगता था उस पराठे में, मुझे तो याद है कुछ रिजेक्टेबल था। हम चाय नहीं पीते थे बट उसको उठाते थे कि हमारे लिए नाश्ता बना दो, वो कहता दूध लेके आओ। तो मैं नाश्ता बनाऊंगा, हम कहते हमने चाय नहीं पीनी, कहते मैंने तो पीनी है ना चाय। ओके मजा आ रहा है, बहुत ही लंबी कहानी थी, शुरू चुके हैं गोइंग विद द फ्लो, चल रहे हैं। 4 दिन लगे थे फ्लाइट में पहुंचने में, ये वीडियो के एंड में भी 4 दिन लग रहे हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट देखिएगा, हम इसमें इसको फिनिश करेंगे। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोग 2 पार्ट देख चुके हैं और इसके बाद तीसरा पार्ट भी देखेंगे। सो स्टे विद अस, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।